पटवारी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है राज्य चुनाव आयोग। जी हाँ, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ये इसका लोगो है। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण इसकी लाइन है, इसका मोटो है। राज्य चुनाव आयोग ही राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग ही स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तीनों एक ही संस्था के नाम है। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है एवं नगरीय निकायों का चुनाव कराता है। पंचायत में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत और जिला लेवल पे जिला पंचायत का चुनाव कराता है। इसी तरह नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। मित्रों एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ राज्य शब्द लिखा है, चुनाव आयोग के पहले राज्य। यहाँ पे कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि राज्य लिखा है इसलिए कहीं ये विधानसभा के चुनाव तो नहीं कराता, राज्य स्तर पे चुनाव तो नहीं कराता। जी नहीं, जो विधानसभा का चुनाव है वो केंद्र में जो चुनाव आयोग है वो कराता है। उसका नाम क्या है? चुनाव आयोग। उसको केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कहते, केवल चुनाव आयोग। और जो राज्य चुनाव आयोग है ये केवल तीसरे दर्जे पे, जो तीसरे दर्जे पे हमारी सरकारें हैं, कौन सी सरकारें हैं? पंचायत की और नगरीय निकायों की, ये तीसरे दर्जे की हैं, वहां पे चुनाव कराता है। प्रथम दर्जे की सरकार कौन होती है? फर्स्ट लेवल में केंद्र सरकार, सेकंड लेवल में राज्य सरकार और थर्ड लेवल में पंचायत और नगरीय निकाय। तो तीसरे दर्जे का जो चुनाव है वो कराते हैं राज्य चुनाव आयोग। इतना आप पहले ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, इसका मोटो है। तो आइए अब देखते हैं राज्य चुनाव आयोग से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, इसका गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ 1 फरवरी 1994। कब हुआ? 1 फरवरी 1994। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। प्रथम बार चुनाव कब करवाए? 2 महीने बाद करवाए, 15 अप्रैल 1994 को चुनाव अधिसूचित कर दिया गया, पंचायती राज का चुनाव का अधिसूचित, अधिसूचित मतलब नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो 15 अप्रैल तो चुनाव कराने की डेट है, मतलब प्रक्रिया उस वक्त से शुरू हो गई। लेकिन गठन अगर कोई पूछे तो 1 फरवरी 1994, आपको प्रश्न आएगा ज्यादातर गठन से ही आता है, किसका गठन कब हुआ, आप क्या कहेंगे? 1 फरवरी 1994। अच्छा भैया, क्या संविधान में कहीं इसका वर्णन है राज्य चुनाव आयोग का? जी हाँ, संविधान में वर्णन है। हमने जब पंचायती राज पढ़ा था तो हमने देखा था एक आर्टिकल 243 के, यहाँ पे चुनाव आयोग का वर्णन है। इसी तरह नगर निगम में जब हमने पढ़ा, नगरी निकाय पढ़ा, वहां भी आर्टिकल पढ़ा 243JD, यहाँ भी चुनाव आयोग का वर्णन, मतलब चुनाव आयोग 243K में भी है, 243JD में भी है, के जेडे के में और जेडे में है। अगला क्या प्रश्न बनेगा कि इसकी संरचना कौन कौन इसमें होता है? तो एक सदस्यीय है ये, मतलब इसी को चाहे अध्यक्ष बोलिए चाहे सदस्य बोलिए, एक ही व्यक्ति होता है राज्य चुनाव आयोग में, और साथ में एक सचिव होता है। सचिव कौन होता है? आईएएस अधिकारी। एक व्यक्ति मतलब ये नहीं कि पूरे ऑफिस में अकेले बैठता है एक व्यक्ति मतलब राज्य चुनाव आयोग सदस्य एक है, बाकी इसके पास पूरा स्टाफ रहता है, लेकिन आयोग का जो अध्यक्ष है और जो उसका क्या बोलते हैं उसको मेंबर्स हैं, वो अकेला ही है, खुद ही है। जैसे हमने वित्त आयोग पढ़ा तो उसमें कितने लोग होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसमें केवल खुद ही है, ये जो है सर्वे सर्वा खुद ही है, खुद ही सारे डिसीजन लेता है। साथ में एक सचिव है, आईएएस अधिकारी है, वो उसको सहायता करता है प्रशासनिक कार्यों में। तो मित्रों जैसा हमने बताया कि 1 फरवरी 1994 को राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? 1 फरवरी 1994 को। तो पहली बार इसके सदस्य कौन बने या अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि एक मेंबर है तो सेम चीज है, एनबी लोहानी, हिंदी में भी लिखा है एनबी लोहानी। क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम अध्यक्ष राज्य चुनाव आयोग के कौन बने, तो आप क्या कहेंगे? एनबी लोहानी। सचिव कौन बने? प्रकाश चंद। मित्रों प्रकाश चंद सेठी मत लगाइएगा, प्रकाश चंद सेठी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्रियों के बारे में। ये प्रकाश चंद है, क्या है? प्रकाश चंद, ये है सचिव, गड़बड़ मत कीजिएगा। सदस्य क्या है? एनबी लोहानी और सचिव प्रकाश चंद। कई बार पूछ लेता है कि महिला सचिव बताइए, क्योंकि महिलाओं को प्रशासनिक पोजीशन में पाने में और वहां तक पहुंचने में काफी समय लगा, मध्य प्रदेश में भी समय लगा, इसलिए महिलाओं का अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। तो महिला सचिव कौन होंगी? विजया श्रीवास्तव, प्रथम महिला सचिव विजया श्रीवास्तव। ये 3 प्रश्न बन जाते हैं आपके व्यक्तियों से, पहला एनबी लोहानी, दूसरा प्रकाश चंद, तीसरा विजया श्रीवास्तव। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी नियुक्ति भैया? राज्य चुनाव आयोग में जो हमारे लोहानी साहब हैं, जो अध्यक्ष हैं इसके, उनकी नियुक्ति कौन करता है? अब राज्य में है तो जनरली गवर्नर ही नियुक्ति करेगा, लेकिन हटाता कौन? हटाता गवर्नर नहीं है, हटाते कौन है? राष्ट्रपति है।
याद रखिएगा, नियुक्ति गवर्नर और हटाना राष्ट्रपति। कैसे हटाते हैं? जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो नियम है वही नियम इनको हटाने का लगता है। हाई कोर्ट का जज बहुत पावरफुल है, उनको हटाना बहुत मुश्किल है, पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ता है। सेम प्रोसेस राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष को हटाने में करना पड़ता है। क्यों? इसलिए करना पड़ता है ताकि ये बिना दबाव में काम कर सके, इनके सीट सुरक्षित रहे, क्योंकि राष्ट्रपति जनरली किसी को इतना आसानी से हटाते नहीं। अगर गवर्नर को पद मिलता हटाने का तो उनको थोड़ा डर लगा रहता है कि हमको हटा देंगे, तो दबाव में काम करते, दबाव में काम ना करें, इसलिए हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। तो मित्रों एक बार रिवाइज कर लीजिए, राज्य चुनाव आयोग हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण, आर्टिकल 243 के 243 जेडे, गठन 1 फरवरी 1994, संरचना 1 सदस्य 1 सचिव, प्रथम सदस्य एनबी लोहानी, सचिव प्रकाश चंद, महिला सचिव विजय श्रीवास्तव, नियुक्ति गवर्नर, हटाना राष्ट्रपति। फिर से राज्य चुनाव आयोग हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण, आर्टिकल 243 के 243 जेडे, 1 फरवरी 1994, 1 सदस्य 1 सचिव, एनबी लोहानी, प्रकाश चंद, विजय श्रीवास्तव, नियुक्ति गवर्नर, राष्ट्रपति। हटाते हैं इसको। मित्रों दो बार कम से कम इसको देखिए और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपसे ये पूछूंगा, आप मैंने वीडियो के लिखा तो नहीं है पर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है एक क्वेश्चन, जानबूझ के मैंने नहीं लिखा, देखा कि आप कितने अटेंटिव हैं कि नहीं, इसका चेक किया जाए कि प्रथम बार राज्य चुनाव आयोग ने प्रथम बार एमपी में पंचायती राज का चुनाव कराने की जो डेट है, अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वो कब जारी की। इसका आंसर अगर आप दे देते हैं तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है, अगर नहीं दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, तो इस वीडियो को फिर से देखिए और उस प्रश्न को सर्च कीजिए। धन्यवाद।